हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम आशुतोष एंड वेलकम टू योर चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग। सो डियर फ्रेंड, आज हम लोग जा रहे हैं कंप्लीट करने CSES यूनिट 3। यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है कंप्लीट हो चुका है। इसका जो लिंक है कमेंट बॉक्स में दिया गया है, जाइए आप लोग वहां से देख सकते हैं। और जो भी लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइंट हैं, उसका भी लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एक्सेस कंट्रोल से आप लोग क्या समझ सकते हैं, ये बताना है। अब मैंने पहले बताया था कि एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, तो जो एक्सेस कंट्रोल होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी। देखिए, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी। मान लीजिए ये रूम है, ठीक। इस रूम में वही व्यक्ति जा सकते हैं जिनको हम लोग यहाँ पर परमिशन दिए हैं, या फिर इन व्यक्तियों के पास यहाँ पर एक्सेस कार्ड होगा या फिर एक्सेस कोड होगा। तो जिन व्यक्तियों के पास यहाँ पे एक्सेस कार्ड है, एक्सेस कोड है, वही व्यक्ति यहाँ पे जा सकते हैं अंदर, ठीक। तो यही हमारा क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल होता है। एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है कि कौन व्यक्ति अंदर गया है और कौन व्यक्ति बाहर गया है, इन सभी का डाटा हम लोग यहाँ पे रखते हैं। अब देखिए, एक्सेस कंट्रोल जो है दो प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है फिजिकल और दूसरा हमारा होता है लॉजिकल। तो फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल में ही होता है। इसका उपयोग जो है हम लोग IT कंपनी में, कैंपस में, बिल्डिंग में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं लॉजिकल में, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए सिस्टम है, डाटा ट्रांसफ़र हुआ और जो है फाइल हुआ, इसको हम लोग कंट्रोल करते हैं ट्रांसफ़र होने के लिए। तो यही हमारा हो गया एक्सेस कंट्रोल। तो एक्सेस कंट्रोल दो प्रकार का होता है। यहाँ पे दिया गया अगला क्वेश्चन कि आपको डिफाइन करना है फिजिकल और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, तो आप लोग बता देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि एक्सेस कंट्रोल जो है कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल। तो देखिए, यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल तीन प्रकार का होता है। यूनिट 2 में मैंने पूरा डिटेल्स बताया इसके बारे में कि MAC क्या होता है, DAC क्या होता है, RBAC क्या होता है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वहाँ जाइए देख लीजिए। अब देखिए, तीन प्रकार का होता है, MAC होता है, DAC होता है और RBAC होता है। M मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, डिक्शनरी एक्सेस कंट्रोल, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। अब देखिए, एक्सेस कंट्रोल के यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, तो यहाँ पे चार पॉइंट लिखेंगे आप लोग। पहला लिखेंगे, इट डिनाइज एक्सेस टू सिस्टम बाय द अनडिफाइंड यूजर, इट लिमिट मॉनिटर द यूजेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, इट सस्पेंड आर डीले एक्सेस कैपेबिलिटी, इट रिमूव ऑब्सोलेट यूजर अकाउंट एज सून दी यूजर लीव्स दी कंपनी। पूरा बढ़िया से बताया है मैंने यूनिट 2 में इन सब के बारे में। अब देखिए, एक्सेस कंट्रोल के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी क्या क्या होनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो देखिए, एक्सेस कंट्रोल में यहाँ पे सिक्योरिटी होगी। यहाँ पे ट्रिक अगर आपको देखना है तो देख लीजिए। मेरे एक फ्रेंड है, इनका नाम है अमनी नाम है। तो जब भी पूछा जाए आपसे कि सिक्योरिटी प्रिंसिपल के लिए, सिक्योरिटी प्रिंसिपल क्या है एक्सेस कंट्रोल के लिए, तो आप लोग लिखेंगे अमनी ट्रिक। अब ए से हो गया हमारा ऑथेंटिकेशन, फिर ए के से हो गया हमारा ऑथराइजेशन हो गया, एन फॉर हो गया नॉन रेपुडिएशन हो गया, और आई फॉर हो गया आइडेंटिफिकेशन। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथराइजेशन क्या होता है, नॉन रेपुडिएशन क्या होता है। अब देखिए, अब यहाँ से आपको पता चलना चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन होता क्या है। इसका मतलब होता है आइडेंटिफाई करना। ये मान लीजिए आपका सिस्टम है, इस सिस्टम में जितने एप्लीकेशन हैं, उस एप्लीकेशन को जो यहाँ पे यूजर होते हैं, यूजर, उस यूजर को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आइडेंटिफाई क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम में लगातार चल रहे एप्लीकेशन के यूजर को आइडेंटिफाई करना, यही हमारा होता है आइडेंटिफिकेशन। अब देखिए, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है प्रमाणीकरण। क्या होता है, प्रमाणीकरण। अब देखिए, यह जो है प्रूफ करता है कि भाई इसका यूजर कौन है। मान लीजिए एप्लीकेशन है, इसका यूजर कौन है, ये प्रूफ करता है। अब कैसे प्रूफ करेगा ये,
ये पासवर्ड के जरिए, पिन कोड के जरिए, वॉइस रिकॉग्निशन के जरिए यह जो है प्रूफ करता है कि इस एप्लीकेशन का ये यूजर है, इस एप्लीकेशन का ये यूजर है। किसके जरिए? पासवर्ड के जरिए, पिन कोड के जरिए, बैंकिंग डिटेल्स, आधार कार्ड, ठीक, वॉइस रिकॉग्निशन हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है ऑथराइजेशन। अब ऑथराइजेशन में क्या होता है? देखिए जैसे मान लीजिए पूरा प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का मैं मान लीजिए मालिक हूँ। आई अब देखिए पूरा प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे परमिशन दे सकता हूँ यहाँ पे एक्सेस करने के लिए किसी और को। तब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो ओनर होता है वो परमिशन दे सकता है वहाँ पे पहुँचने के लिए, वहाँ पे एक्सेस करने के लिए। यही हमारा होता है मतलब ऑथराइजेशन होता है। तो आप लोग लिखेंगे कि ऑथराइजेशन क्या है? ऑथराइजेशन इज ए सिक्योरिटी मैकेनिज्म टू डिटरमाइन एक्सेस लेवल आर यूजर क्लेम्ड प्रिविलेज रिलेटेड टू सिस्टम रिसोर्स इंक्लूडिंग, इसमें शामिल होता है फाइल्स होता है, सर्विस होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, डाटा होता है और इसका एप्लीकेशन होता है। तो मतलब कि कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि मान लीजिए सिस्टम है, इस सिस्टम जितने भी मतलब फाइल हुए, सर्विस हुए, कंप्यूटर प्रोग्राम हो गए, डाटा हुआ, एप्लीकेशन हुआ, इन सब का जो ओनर होता है कि यहाँ पे किसी और को भी यहाँ पे एक्सेस करने के लिए परमिशन दे सकता है। तो यही हमारा क्या हो गया? ऑथराइजेशन हो गया। अब यहाँ पे आता है नॉन रिपुडिएशन। अब नॉन रिपुडिएशन क्या होता है? देखिए अब देखिए ये नॉन रिपुडिएशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पर हमें एग्रीमेंट दिया जाता है किसके द्वारा? नॉन रिपुडिएशन के द्वारा। तो नॉन रिपुडिएशन एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ पे ऑब्लाइज किया जाता है, एग्रीमेंट किया जाता है इसी के द्वारा। अब जैसे कि मान लीजिए आपने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, आपने यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया और इस पर आपने सिग्नेचर कर दिया पेन से, तो जो आपने यहाँ पे सिग्नेचर किया है कॉन्ट्रैक्ट को, तो इसका मतलब क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया। तो यही सिग्नेचर आपका कहलाता है नॉन रिपुडिएशन। क्या कहलाता है? नॉन रिपुडिएशन कहलाता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया कि एक्सेस कंट्रोल में कौन कौन से इशू होते हैं वही आपको बताना है। तो यहाँ पे तीन इशू आप लोग लिख सकते हैं कि पुअर यूजर एजुकेशन, पुअर पासवर्ड मैनेजमेंट एंड अप्रोप्रिएट रोल बेस्ड एक्सेस। एक्सेस कंट्रोल के बारे में पूरा डिटेल्स बताया यूनिट टू में। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि ब्राउजर आइसोलेशन क्या होता है? ब्राउजर आइसोलेशन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? अलगाव करना, सेपरेट करना, ठीक। अब ब्राउजर आइसोलेशन को हम लोग यहाँ पे वेब ब्राउजर भी कहते हैं, वेब ब्राउजर भी कहते हैं। तो अब लिखेंगे कि ब्राउजर आइसोलेशन इज नोन एज आल्सो वेब ब्राउजर। अब देखिए जो ब्राउजर आइसोलेशन होता है एक साइबर सिक्योरिटी मॉडल होता है किसके लिए? वेब ब्राउजिंग के लिए। यहाँ पे सेपरेट करता है, यहाँ पे जो इंटरनेट यूजर होता है उसको जो है उससे, लोकल मशीन से, नेटवर्क से, इंफ्रास्ट्रक्चर से यहाँ पे सेपरेट करता है। तो यही हमारा क्या होता है? वेब ब्राउजर, मतलब ब्राउजर आइसोलेशन होता है। अगर आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कि वेब ब्राउजर, जैसे कि देखिए कंप्यूटर को, मान लीजिए कंप्यूटर आपका है, इस कंप्यूटर को मेलवेयर से बचाने के लिए, मेलवेयर से बचाने के लिए इसको अलग वातावरण या फिर अलग एक इन्वायरमेंट दिया जाता है। किससे बचाने के लिए? मेलवेयर से। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे ब्राउजर आइसोलेशन में एग्जाम्पल लिख सकते हैं जिसका नाम है सैंडबॉक्स, सैंडबॉक्स, ठीक। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ब्राउजर आइसोलेशन वेंडर्स के कुछ लिस्ट बताइए। तो देखिए एपोजी हो गया, अथेंटिक हो गया, एरिकॉम हो गया, मिनेलो सिक्योरिटी हो गया। एपोजी, अथेंटिक, एरिकॉम, मिनेलो सिक्योरिटी, ये क्या है? ब्राउजर आइसोलेशन वेंडर्स के लिस्ट हैं। आइसोलेशन मतलब क्या होता है? अलगाव होता है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है कि थ्रेट मॉडलिंग क्या होता है? थ्रेट मॉडलिंग क्या होता है? देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि थ्रेट मतलब क्या होता है। कोई मान लीजिए खतरा उतरा आ रहा है, मान लीजिए कोई खतरा आ रहा है, इस खतरा को हम लोग यहाँ पे
देखते हैं भाई यहाँ पे कौन सा खतरा आ सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे सेफ्टी हो जाते हैं। यही हमारा होता है थ्रेट मॉडलिंग। थ्रेट मॉडलिंग में आप लोग लिखते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए यहाँ बनाएंगे थोड़ा सा डायग्राम, यहाँ लिखेंगे थ्रेट मॉडलिंग। थ्रेट मॉडलिंग, अब थ्रेट मॉडलिंग को आप पहले डिफाइन करेंगे, डिफाइन करेंगे, और डिफाइन करने के बाद आप लोग इसका डायग्राम बनाएंगे। फिर डायग्राम बनाने के बाद इसको आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद आप लोग इसको मिटिगेट करेंगे। मिटिगेट करने के बाद आप लोग यहाँ पे वैलिडेट करेंगे, फिर यहाँ पे आप लोग इसको डिफाइन कर लेंगे। तो यही हमारा होता है थ्रेट मॉडलिंग। देखिए थ्रेट मॉडलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संभावित खतरों जैसे कि स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चरल कमजोरी हो गया, या उपयुक्त सुरक्षा उपायों की अनुपस्थिति की पहचान की जा सकती है कि इस पे कौन कौन सा खतरा आ रहा है। तो यही हमारा होता है थ्रेट मॉडलिंग। देखिए यहाँ पे दिया भी गया है कि फॉर ऑप्टिमाइजिंग नेटवर्क सिक्योरिटी बाय द आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्टिव एंड वल्नरेबिलिटीज एंड देन डिफाइनिंग काउंटर मेजर टू प्रिवेंट आर मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ थ्रेट टू द सिस्टम। ठीक, देखिए अब यहाँ पे दिया गया है कि थ्रेट मॉडलिंग के एलिमेंट के बारे में बताइए, तो आप लिखेंगे एसेट्स, थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटीज। इसके 6 स्टेप होते हैं, पहले आप लोग उसको एग्जामिन करते हो। अभी आगे है क्वेश्चन वाला। अब थ्रेट मॉडलिंग में लेयर क्या क्या होते हैं? इसके लेयर होते हैं NHA मतलब नेटवर्क लेयर, होस्ट लेयर, और यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर। ठीक, तो जब भी पूछा जाए कि मॉडलिंग के यहाँ पे कितने लेयर होते हैं, तब लिख सकते हैं यहाँ पे नेटवर्क हो गया, होस्ट हो गया, और एप्लीकेशन लेयर हो गया। अब देखिए थ्रेट मॉडलिंग में यहाँ पे दिया गया अगला क्वेश्चन कि थ्रेट मॉडलिंग के लिए 6 स्टेप यहाँ पे यूज होते हैं, उसी को बताना है। देखिए पहले आप लोग यहाँ पे एसेट को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, एसेट्स आइडेंटिफाई। फिर आप लोग उसको डिस्क्राइब करोगे आर्किटेक्चर को, फिर ब्रेक डाउन द एप्लीकेशन, फिर आइडेंटिफाई थ्रेट्स की भाई इसमें थ्रेट्स क्या हैं, फिर आप लोग थ्रेट आइडेंटिफाई करने के बाद डॉक्यूमेंट को और उसको जो है आप लोग क्लासीफाई करोगे। तो डॉक्यूमेंट एंड क्लासीफाई द थ्रेट्स एंड रे द थ्रेट्स। बताइए अच्छा समझ में आ रहा है आप लोग को बढ़िया से? अब देखिए 14वां वाला क्वेश्चन दिया गया है कि वेब ब्राउजर थ्रेट्स के प्रमुख क्या क्या हैं। तो देखिए इंजेक्शन फ्लैश हो गया, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन हो गया, सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर हो गया, और CSRF हो गया मतलब क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरजरी। और अगला आता है हमारा MITM मतलब मैन इन द मिडिल अटैक, और छठवां हमारा आता है फिशिंग अटैक। तो वेब सर्वर थ्रेट्स के यहाँ पे मेजर क्या क्या है, 6 पॉइंट आप लोग यहाँ पे पूरा लिख सकते हो ये सब। अब देखिए CSRF मिटिगेशन के मेथड के बारे में बताना है आपको। अगर आप को यहाँ पे यूज नहीं करना है तब आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन को यहाँ पे लॉगिंग ऑफ कर सकते हो। ठीक, और कभी भी आपको यहाँ पे जो पासवर्ड होता है उसको यहाँ पे अलाउ नहीं करना है, यूजर नेम को और पासवर्ड को यहाँ पे सिक्योर करना है। तो यही आपको लिखना है कि CSRF मिटिगेशन में इसका मेथड क्या है। तो आप लिखेंगे कि अगर हमको यूज़ नहीं करना है, वेन नॉट इन यूज देन लॉगिंग ऑफ वेब एप्लीकेशन। ठीक, और दूसरा लिखेंगे कि हमें जो है यूजर नेम और पासवर्ड को सिक्योर करना है, और हमेशा जो है पासवर्ड को यहाँ पे अलाउ नहीं करना है ब्राउजर में। और देखिए अवॉइडिंग साइमल्टेनियस ब्राउजिंग व्हाइल लॉग्ड इनटू एप्लीकेशन, सिक्योर सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो लिखेंगे 4-5 पॉइंट कि सैनिटाइज इनपुट एट द क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड, इनकोड रिक्वेस्ट, फिर यूज HTTPS फॉर डोमेन एंट्रीज, यूज ओनली करंट इनक्रिप्शन एंड हैशिंग एल्गोरिथम, एंड डू नॉट अलाउ फॉर द डायरेक्टिंग लिस्टिंग। तो इसी प्रकार से हम लोग यह सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं।
अब अगला क्वेश्चन है कि हाउ टू अवॉइड लिमिटेशन इन द थ्रेट मॉडल। अब देखिए, मेकिंग मोर एक्सप्लिसिट एंड फॉर्मलाइज्ड थ्रेट्स मॉडल टू अंडरस्टैंड पॉसिबल वीकनेस, ठीक। और आप लोग देखेंगे कि मेकिंग सिंपलर एंड मोर जनरल थ्रेट मॉडल्स, मेकिंग लेस अजम्पशन टू डिजाइन बेटर थ्रेट मॉडल। तो यही हमारा हो गया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कि मतलब कि वेब सर्वर थ्रेट्स हो गया, ये मॉडलिंग वाला आपका हो गया कि थ्रेट मॉडलिंग क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो है आप लोग ये सारा चीज लिख सकते हैं यहाँ पे कि लेयर क्या इसमें यूज होता है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि थ्रेट मॉडलिंग क्या होता है, ठीक, लॉन्ग आंसर में। फिर इसमें लेयर क्या क्या यूज होते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर देखिए इसमें क्या क्या एलिमेंट हैं शामिल, पूरा बढ़िया से। उसके बाद जो मैंने डायग्राम बताया आपको वो बना लेंगे उसमें। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ सिक्योर डिजाइन। तो देखिए यहाँ पे तीन चीज लिखेंगे, कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि MAC और DSM में क्या क्या अंतर, मैं पूरा डिटेल्स बताया है यूनिट 2 में, वहाँ जाइए आप लोग देख लीजिए। अब ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि वेब सिक्योरिटी क्या होता है। देखिए वेब सिक्योरिटी जो है, साइबर सिक्योरिटी जो है, इसी के नाम से जानी जाती है। तो वेब सिक्योरिटी इज आल्सो नोन एज साइबर सिक्योरिटी, और इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे प्रोटेक्ट करना किसको, वेबसाइट को या फिर वेब एप्लीकेशन को, किसके द्वारा, डिटेक्टिंग करके, प्रिवेंटिंग करके साइबर थ्रेट से। तो यही हमारा होता है वेब सिक्योरिटी। तो वेब सिक्योरिटी इज आल्सो नोन एज साइबर सिक्योरिटी, इट बेसिकली मीन्स प्रोटेक्टिंग योर वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बाय डिटेक्टिंग, प्रिवेंटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू साइबर थ्रेट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। थैंक यू।